हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको 3 रेसिपीज बताने वाली हूँ, बीफ शीख कबाब, हरियाली चिकन और तीतर। तो सबसे पहले हम बीफ शीख कबाब के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। चलिए, तो हमने 1 kg बीफ का खीमा लिया है और ये रहे 400 ग्राम, जो हमने इसको मिक्सर में डाल के पाउडर बना लिया है। देखिए इस तरह से। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो 1-1 टेबल स्पून है, और प्याज पिसी हुई, हरा धनिया, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, साल्ट, पुदीना कटा हुआ, ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर। देखिए ये रहे बीफ शीख कबाब के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम खीमे में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और प्याज का पेस्ट, और फ्राइड ग्राम का पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और ज़ीरा पाउडर। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, धनिया और पुदीना जो मैंने बारीक काट के रखा था, और थोड़ा सा रेड कलर, हल्दी पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को डालकर हम खीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स करने के बाद ये इस तरह सा हो जाएगा। इस तरह हम ऐसे स्टिक्स लेके इसमें ऐसे धीरे धीरे से चिपका देंगे। आप इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं या चारकोल के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और यम्मी शीख कबाब बनेंगे आपके। तो आप इसको घर में ज़रूर से ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। देखिए हमने एक फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है और इस तरह से बीफ शीख कबाब को धीरे से फ्राई कर लेंगे। इंशाल्लाह ये फ्राई होने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये कैसे लगेंगे। तो आप सबने बीफ शीख कबाब की रेसिपी तो देख ली है, तो चलिए जल्दी से हम हरियाली चिकन की रेसिपी भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 kg चिकन लिया है, नमक, काली मिर्ची पाउडर, कॉर्नफ्लोर पाउडर, ग्रीन कलर, ये हरा धनिया और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है, विनीगर, ये रहे हरियाली चिकन के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। देखिए ये रहा धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक, काली मिर्ची का पाउडर, कॉर्नफ्लोर पाउडर, ग्रीन कलर। तो अब इन सारी चीज़ों को हम डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉरी मैंने विनीगर बताना भूल गई।
तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए क्या खूबसूरत कलर है। देखिए इस तरह से हम सारी चिकन को अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे और उसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन में मैरिनेट हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगी ये चिकन। चिकन को हम मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और इसके बाद आप तीतर की भी रेसिपी देख लेंगे। तो हमने 6 से 7 अदद तीतर लिए हैं, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, चिकन टिक्का मसाला पाउडर, रेड फूड कलर, कॉर्नफ्लोर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, लेमन, जिंजर और गार्लिक पेस्ट, नमक। ये रहे तीतर के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए हम इन सारी चीज़ों को तीतर में अच्छी तरह से लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लेमन का जूस लिया है आप विनीगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेरे पास लेमन अवेलेबल था इसलिए मैंने लेमन ही इस्तेमाल किया है। ये रहा लहसुन और अदरक का पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, चिकन टिक्का मसाला, कॉर्नफ्लोर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, रेड फूड कलर, मैंने हाथों को अच्छी तरह से साफ करके ही इस्तेमाल किया है। आप भी अपने बाकी सफाई का खास ख्याल रखिए। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी भी इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम तीतर को मसाला एक एक करके लगा लेंगे। माशाल्लाह ये भी बहुत टेस्टी और यम्मी रेसिपी है। बहुत लोग इसे बहुत पसंद से खाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो इतना पसंद नहीं है, फिर भी मैं ये रेसिपी आप सबको बता रही हूँ। हमारे घर में भी फैमिली में भी ये बहुत पसंद से खाते हैं। इसको भी हम एक आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करके रखेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट हो जाए। चलिए हरियाली चिकन और तीतर को अब हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम में रख के इसको फ्राई करना चाहिए। देखिए आधे घंटे के बाद हमने ऑयल गरम करके इस तरह से तीतर को धीरे से डाल दिया है ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए।
फ्लेम बिल्कुल स्लो पे रखी है। यहाँ पर हरियाली चिकन भी फ्राई हो रही है। ऑयल गरम होना चाहिए, बिल्कुल आप इसे स्लो रख के पकाइए और अपने हाथों का ख़ास ख्याल रखिए, ऑयल कहीं आप पर उड़ ना जाए। और चम्मच भी थोड़ा बड़ा लीजिए ताकि हाथ अपने आपके फ्राइंग पैन से दूर रहे। माशाल्लाह देखिए यहाँ पर हमारे सारे रेसिपीज रेडी हो गए हैं। ये रहे बीफ शीख कबाब, हरियाली चिकन, ये मैंने कोफ्ते बनाए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी। और ये तीतर, माशाल्लाह देखिए बहुत खूबसूरत रेसिपीज़ बने हैं। आप भी अपने घरों में ज़रूर से इसे पकाइए और मुझे कमेंट्स भी करके बताइए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताइए, मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर से इसके सारे इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीक़ा भी बताऊँगी। ने मेरे की रेसिपीज देख लिए होंगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।